आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पूर्व संध्या पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज वो दिन है जिस दिन हमें अपना आत्म परीक्षण करना है, क्या हम कल के गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अनुरूप अपनी मानसिक अपनी शारीरिक स्थिति बना करके आए हुए हैं, क्या हम उस तैयारी से आए हुए हैं जिस तैयारी से आने की आवश्यकता है। आपने आपके सारे रिश्तेदारों का चयन अपनी इच्छा से किया था, लेकिन मेरा चयन आपके आत्मा ने किया है, तो जब गुरु का सिलेक्शन गुरु का चयन हमारी आत्मा करती है तो आवश्यक है उस गुरु पूजन में भी हम पूर्ण आत्मस्वरूप बन के सम्मिलित हो, आत्मस्वरूप बन के शामिल हो, तभी उस गुरु पूजन का सही अर्थों में हम लाभ ले सकेंगे। सही अर्थों में हम फायदा ले सकेंगे, इसलिए आवश्यक है कि कल सब भी आप एक आत्मा बनकर उस पूजन में सम्मिलित हो। आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा की कोई भाषा नहीं होती, आत्मा परमात्मा का वो स्वरूप है जो इन सबसे परे है, आत्मा की कोई समस्या भी नहीं होती, कोई समस्या लेके आत्मा नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार से आप भी कोई समस्या न लेके एक निखालस बन के एक खाली बन के कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हो, तो शामिल होने के बाद में एक आस्तिक भाव से पूर्ण महोत्सव का चैतन्य का आनंद प्राप्त कीजिए। प्राप्त करने के लिए आपको आत्मा बन के आना होगा। आज जो हम विभिन्न धर्मों की विभिन्न संप्रदायों की बात करते हैं, तो मानव ने धर्मों को निर्मित किया है, धर्मों ने मानव को नहीं। इसलिए सर्वप्रथम मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वप्रथम आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, सर्वप्रथम आपको मानव बनना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप मानव धर्म को माने, आवश्यक है आप मनुष्य धर्म को माने, सर्वप्रथम आप मानव बनिए, मानव बनने के बाद में बाकी सब धर्म के उपचार हो सकते हैं। इसलिए हम कई धर्म के लोगों को देखते हैं कि सारा जीवन उसमें लगा देते हैं, लेकिन जीवन लगाने के बाद में भी उनको कोई अनुभूति प्राप्त नहीं होती, कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उसी प्रकार से हुआ, जैसे आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े सुंदर जमीन का टुकड़ा
इससे ऊपर बहुत अच्छी फसल निकाली जा सकती है। ऐसे टुकड़े को आप रोज सिंचाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों के खाद ला के उसमें डाल रहे हैं, और खाद डालने के बावजूद में आप सालों इंतजार कर रहे हैं, सालों रहा देख रहे हैं, रहा देख रहे हैं कि उसके अंदर से एक आम का पेड़ उगना चाहिए। आप इच्छा कर रहे हैं उसमें से एक आम का वृक्ष उगना चाहिए, और ऐसी इच्छा कर करके आप सालों तक उसको खाद डालेंगे, सालों तक आप उसको पानी डालेंगे, तो भी कभी भी उसमें से आम का वृक्ष नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? इसलिए नहीं निकल सकता कि जब तक उसमें आम के वृक्ष का बीज न पड़ा हो, तब तक आम का वृक्ष का निर्माण कभी संभव ही नहीं है। आप कितने भी कर्मकांड कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके अंदर बीज नहीं है आध्यात्म का, धर्म का बीज होना आवश्यक है। तीसरा, इस जमीन में पत्ता बोने से आम का वृक्ष निर्माण नहीं होगा। उस जमीन में आम का डंडी बोने से आम का वृक्ष का निर्माण नहीं होगा। इसमें आम का फूल बोने से आम के वृक्ष का निर्माण नहीं होगा। इसमें एक कच्चा आम बोने से भी आम के वृक्ष का निर्माण नहीं होगा। वृक्ष का निर्माण होने के लिए एक परिपक्व आम का बीज आवश्यक है। जब तक एक परिपक्व आम का बीज उस जमीन में आप नहीं बोते हैं, तब तक कभी भी आम के वृक्ष का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये आवश्यक है एक परिपक्व बीज आपके जमीन में बोया जाए, तभी उसमें आम का वृक्ष संभव है। परिपक्व बीज से मेरा आशय उस परिपक्व गुरु की सूक्ष्म शक्ति से है, जो गुरु ने सालों तपस्या करके प्राप्त की है, और वो अपनी कृपा में स्वखुशी में आपके लिए दे रहा है। इसके सबके एक अंशदान से, इस छोटे से बीज से आपके तप की साधना शुरू हो सकती है, और वो साधना शाश्वत होगी, सत्य होगी, क्योंकि वो अनुभूति के ऊपर आधारित है, अंधों के ऊपर आधारित है। अनुभूति एक महत्वपूर्ण भाग है। आज अनुभूति विहीन धर्म चला जा रहा है, इसे कोई भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, लेकिन किसी को भी उसकी जानकारी नहीं होती, किसी को भी उसका प्रयास नहीं होता, कोई प्रयत्न करके पहचान नहीं सकता है कि आदमी सही है या गलत है, कि सही मार्ग बता रहा है या गलत मार्ग बता रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है कि गलत रास्ता दिखा रहा है। ये पहचानने के लिए, जानने के लिए आवश्यक एक थर्मामीटर होना चाहिए, जो एक मापदंड होना चाहिए, जिस मापदंड से आप बराबर पहचान सकते हैं कि सामने वाला गुरु हमें सही रास्ते पे ले जा रहा है या नहीं, सही मार्ग बता रहा है या नहीं, ये धर्म का जो बता रहा है वो सच है या नहीं, ये मापदंड है अनुभूति, ये मापदंड है चैतन्य। इस चैतन्य की भाषा, ये वाइब्रेशंस की भाषा एक बार आपके समझ में आ जाए, सारी संसार को समझने की शक्ति आपके अंदर निर्माण हो जाएगी, सारे धर्मों का निचोड़ आप समझ जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक परिपक्व आम का बीज आपके जमीन में होना चाहिए। ऐसे परिपक्व आम का बीज बड़े मुश्किल से निर्माण होता है। हम देखते हैं कई आम के वृक्ष होते हैं, आम के वृक्ष में कई बार बाहर आती है, कई फूल आते हैं, हजारों लाखों फूल आते हैं, और लाखों फूल आने के बाद में भी सारे फूल परिपक्व आम नहीं बनते। इसमें से कई फूल ऐसे ही गिर जाते हैं, ऐसे ही गिर जाते हैं। इस फूलों में से छोटे छोटे से आम
निर्माण होते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन ये आम भी अपरिपक्व स्थिति के कारण स्वयं ही गिर जाते हैं। के बाद कई तूफान आते हैं, कई आंधियां आती है, उन आंधियों से बचे हुए छोटे छोटे आम भी गिर जाते हैं। इसके बाद में कुछ लोग कुछ कच्चे चेरियों को तोड़ लेते हैं तो झाड़ पे बहुत कम आम बच जाते हैं और अंततः बहुत ही कम आम, संख्या में नगण्य परिपक्व आम बन पाते हैं। ऐसे परिपक्व आम बनने के लिए एक लंबी समय अवधि चाहिए, एक बड़ी अवधि के बाद ऐसे आम का निर्माण हो सकता है। वृक्ष से चाहे तो भी नहीं हो सकता, वृक्ष के चाहने से कुछ नहीं होगा। परिपक्व आम कितना बनना है वो ऊपर वाला ही निश्चित करता है। किसी प्रकार से परिपक्व गुरु का निर्माण एक जन्म में हो ही नहीं सकता, कोई एक गुरु एक जन्म में एक परिपक्व आम नहीं बन सकता, परिपक्व गुरु नहीं बन सकता, परिपक्व बीज नहीं बन सकता। इसके लिए जन्म जन्मांतर की साधना आवश्यक है। जब तक इतनी बड़ी साधना न हो, साधना की शक्ति न हो, इस शक्ति के बिना एक जन्म में ये कार्य संभव ही नहीं है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। एक बार एक डॉक्टर भंडारकर ये दिल्ली में मिला था, उसने पूछा स्वामी जी आप वाइब्रेशंस को ऐसे इजी वे में कैसे प्राप्त कर लेते हो और इजी वे में कैसे दे सकते हो? ये प्राप्त करने के लिए सालों की तपस्या चाहिए और ये देने के लिए तो हजारों सालों की तपस्या चाहिए, एक जन्म में ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। एक जन्म में कोई भी व्यक्ति कोई शरीर ऐसा निर्माण नहीं हो सकता जो शरीर चैतन्य को प्रवाहित कर दे, चैतन्य को बांट दे, कभी भी नहीं हो सकता। एक जन्म में यह संभव ही नहीं है, असंभव है। बांटना तो बहुत दूर की बात है, जागृति करना तो बहुत दूर की बात है, जागृति पाना भी संभव नहीं है एक जन्म में। जब अनेकों जन्मों में आप उस जागृति की इच्छा करते हैं तब कभी एक जन्म में आपको एक ऐसा परिपक्व गुरु मिलता है, एक समग्र गुरु मिलता है, संपूर्ण गुरु मिलता है, जो अपने शक्ति का दान अपनी इच्छा से आपके लिए करता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसके लिए इच्छा मात्र की हुई है, सिर्फ आपकी इच्छा के कारण वो आपको प्राप्त होता है। ऐसा समग्र गुरु एक जन्म में संभव ही नहीं है, इसके पीछे अनेकों सालों की तपस्या है, अनेकों जन्मों की तपस्या है, कुछ जन्मों के बाद में ही ऐसा संभव है। जो कुछ इस मार्ग में लाने के लिए आपके जीवन में समस्या आई हो, निमित्त बने हो, कारण बने हो, भूल जाइए, उन सबको भूल जाइए, वो एक माध्यम मात्र थे। माध्यम आपको याद दिलाने के लिए थे, माध्यम आपको इस मार्ग पे मोड़ने के लिए थे, रास्ता बताने के लिए थे कि आपको किस मार्ग पे जाना है, आपका मार्ग क्या है, आपका रास्ता क्या है। इसलिए भूल जाइए तो सब कुछ आपके जीवन में क्यों घटित हुआ, तो सब कुछ भूल करके एक आत्मस्वरूप बन करके, एक आत्मा बन करके कल इस समारोह में आप शामिल हो, कल के समारोह में कई विदेशी साधक भी आए हुए हैं, तो इतने दूर से प्रवास करके इतनी तकलीफें उठा के यहां तक पहुंचे हैं,
तो इन्होंने क्या देखा, क्या जाना, क्या पहचाना, क्या मिला, जिसके लिए इतने दूर आए हैं। उन्होंने शांति को प्राप्त किया है, उन्होंने आत्मिक अनुभूति को प्राप्त किया है, जो आज आप अपने जीवन में उद्देश्य बना के चल रहे हो, आज आप अपने जीवन में ये तथ्य बना करके चल रहे हो, दिशा बना करके चल रहे हो, ये सारे भौतिक सुख ये प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें भौतिक सुखों की कोई कामना नहीं है, इन भौतिक सुखों को प्रयास करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप दिन रात विचार करते रहते हो, दिन रात सोचते रहते हो। इन्होंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, इनके पास में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सब टारगेट, वो सब उद्देश्य प्राप्त करने के बाद में भी इन्होंने जाना यह अंतिम नहीं है, यह लास्ट नहीं है, यह आखिरी नहीं है, इसके और भी कोई दुनिया है, इसके आगे भी कुछ और है, वो है आत्मिक शांति। वो आत्मिक शांति पाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, लेकिन जहां भौतिक सुखों को सारा भोग लेने के बाद एक संतुष्टि आ जाती है, एक तृप्ति आ जाती है, और तृप्ति के बाद में ये जानते हैं, ये अनुभव करते हैं, इससे भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। और आज आप उसी पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो, उसी सिरे पे चढ़ना चाहते हो जहां पे ये लोग पहुंचे हैं, और वहां से वो फिर ध्यान की तरफ मुड़े हैं, फिर मेडिटेशन की तरफ मुड़े हैं, फिर परमात्मा की तरफ मुड़े हैं। तो अगर आप जाना चाहते हो, आप भी जाइए, उस छोर तक जाइए, उस किनारे तक जाइए, जिस किनारे पर जाके आप समझते हैं कि भौतिक सुखों की समाप्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी, कभी संभव ही नहीं है। देखिए, आप एक कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आपको एक स्कूटर खरीदने की है, फिर साल भर तक आप वो स्कूटर खरीदने के लिए पैसे जुटाते रहे, साल भर तक आप वो स्कूटर खरीदने के लिए कल्पना करते रहे, प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे, आप दिन रात 24 घंटे सिर्फ स्कूटर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे भी करके मुझे स्कूटर मिल जानी चाहिए, मुझे स्कूटर मिल जानी चाहिए, साल भर के बाद में आप आपके उद्देश्य को प्राप्त भी कर लेते हैं, स्कूटर मिल भी जाती है, स्कूटर प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन प्राप्त होते होते वो आपके बहुत बड़ी कीमत लेती है। वो कीमत ये लेती है कि आपके अंदर अशांति जागृत कर देती है, असंतोष जागृत कर देती है, अतृप्त भाव जागृत कर देती है, और वो अतृप्त भाव जागृत होने के बाद स्कूटर मिलने के बाद में आप इच्छा करने लग जाते हैं कि अगले साल कार मिलनी चाहिए। कहने का मतलब आपके अंदर का जो संतोष है, आपके अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है, वो समाप्त हो जाता है। फिर आपको एक असंतोष की भावना जागृत होती है, आपका स्वभाव असंतोष का हो जाता है, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। इस वासना का, इस इच्छा का कोई अंत नहीं है, आपके जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन ये इच्छा कभी पूर्ण होगी नहीं। इसलिए ये नहीं कहता पाने के लिए प्रयास मत करो, प्रयत्न मत करो, सिर्फ इच्छा मत करो। अनायास हो जाता है, ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, जहां है वहां सुख से रहिए, क्योंकि
ध्यान के अंदर, मेडिटेशन के अंदर कई साधक ऐसे हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रगति नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। क्या कारण है? कारण एक ही है कि वो अंदर से संतोष खो चुके हैं। ध्यान मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है वो है संतोष, वो है सेटिस्फेक्शन। इसके मन में संतोष नहीं है, इसके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कितना भी प्राप्त कर ले कभी भी मेडिटेशन में परिपक्व नहीं हो सकता, कभी भी ध्यान में प्रोग्रेस नहीं हो सकती, ध्यान में प्रगति नहीं हो सकती। इसे सबसे पहले तृप्ति का भाव, एक संतोष का भाव आपके अंदर जागृत कीजिए, जगाइए, उसे बनाए रखिए। वो बनाए तभी रख सकता है जब आप किसी भी वस्तु की कामना करना छोड़ दे। कामना करने से वो चीज मिलती थोड़ी है, उल्टा आपका चित्त खराब हो जाता है। इसलिए उन वस्तुओं की कामना करना छोड़ दिए। मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो सारे सुख प्राप्त करने के बाद में भी वो शांति प्राप्त नहीं किए। इसलिए अगर आपको उनके मार्ग पर चलना है, ये जितना लंबे चले उतना लंबे आपको भी चलना है, मुझे कुछ ऐतराज नहीं है। समय आपका व्यतीत होगा, जीवन आपका बर्बाद होगा, अगर आप उससे पहले ही समझ जाए, वो सब सुख भोगने के पहले ही समझ जाए ये सारे सुख शाश्वत नहीं है, ये सारे सुख सत्य नहीं है, तो आपका भी समय बच जाएगा, आपकी प्रगति भी जल्दी से होगी, प्रोग्रेस भी जल्दी से होगी। इसलिए आवश्यक है कि वो सेटिस्फेक्शन का भाव, वो संतोष का भाव आप आपके मन में जागरूक कीजिए। एक मनुष्य जिसे जागृति के बारे में, परमात्मा के बारे में, परमात्मा के अनुभूति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, वो एक जन्म से दूसरे जन्म में बड़े आसानी से चले जाता है। एक शरीर छोड़ देता है, दूसरे शरीर में चले जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ मोक्ष होता है, उसे पता ही नहीं कि ऐसी परमात्मा की शक्ति होती है, ऐसे परमात्मा की अनुभूति होती है, ये भी होता है, कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं है। वो अपनी एक ही इच्छा को लेते एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाता है। लेकिन जिन लोगों ने परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की है, जिन लोगों ने परमात्मा के अनुभव को महसूस किया है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये जिन्हें पता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में आसानी से नहीं जाते। मृत्यु के पश्चात सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के बाद फिर एक ही इच्छा बाकी रह जाती है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, वो है परमात्मा की प्राप्ति। फिर उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये घर पे रहते हैं न घाट पे, मतलब इनका ये शरीर तो छूट जाता है, वो दूसरे शरीर में भी नहीं जाते हैं, भूत योनि में जाके अटक जाते हैं। इसलिए ये पथभ्रष्ट योगी भूतों के योनि में जाते हैं, जब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलता तब तक वहीं भटकते रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। इसलिए जब आपने अनुभूति को जाना है, आपने मोक्ष को जाना है, तो इसी जन्म में उस अनुभूति को परिपक्व प्राप्त कीजिए, इस मार्ग की समग्रता को ग्रहण कीजिए, इसमें पूर्ण बनिए, संपूर्ण बनिए, और संपूर्ण बनने के बाद में फिर आपकी कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। लेकिन आवश्यक है कि इसके लिए आपको प्रयत्न करना होंगे। देखिए
अनजाने में जो गलतियां हुई, अनजाने में आपसे जो दोष हुए, वो सारे क्षम्य हैं, सारे माफ है, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं था कि ये गलत है। तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, आपको परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त हो गई है, और अभी भी अनुभूति करने के बाद में भी अगर आप फिर गलतियां करेंगे तो गलती करने के बाद में उसकी आपको सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारी गलतियां आपने जानबूझ करके की है। पहले जो गलतियां की थी वो अनजाने में की थी, इसलिए आवश्यक है कि एक बार सब कुछ ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, सब कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर भी अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर कब सुधारेंगे? इसलिए आवश्यक है कि आप अपने गलतियों को सुधारिए। दूसरा, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, जो मैं बार बार आपको कहते रहता हूं, गए साल की गुरु पूर्णिमा और इस साल के गुरु पूर्णिमा में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर यह है, तब वो सूक्ष्म शरीर पूर्णतः से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा में वो सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। विश्व के एक एक कोने में उसका संबंध स्थापित हो गया है। वो सूक्ष्म शरीर का प्रभाव आपको इस स्थूल शरीर पे भी दिखेगा। जैसे आज भी आपने अनुभव किया, नवसारी में वॉलंटियर्स को बोल रहा था, वो सूक्ष्म शरीर डेवलप होने के बाद, वो सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग होने के बाद, वो सूक्ष्म शरीर परिपक्व होने के बाद इस स्थूल शरीर का आकर्षण अत्यधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक बढ़ जाता है मतलब सामने वाले के कंट्रोल में नहीं, खींचा चला आता है। तो तुम एक ऐसी व्यवस्था रखो, सारी व्यवस्था सुचारित रूप से चले, लेकिन वो व्यवस्था भी आज गड़बड़ा गई। इन्हें मैंने पूर्व सचेत किया था ऐसा होने वाला है, ये सब कुछ पता था। देखिए, जितना ओरा बड़ा होते जाएगा, जितना सूक्ष्म शरीर बड़ा होते जाएगा, स्थूल शरीर में उतना ही आकर्षण तेजी से बढ़ता जाएगा। और विशेषता देखिए कि इस पिछले साल भर में मैंने एक भी लाइव शिविर किया हुआ नहीं, सारे वीडियो कैसेट से शिविर प्राप्त करके साधक आए हुए हैं। नए जो साधक आए हैं उनके लिए तो क्षम्य है, उन्होंने कभी दर्शन ही नहीं किए थे, पहली बार दर्शन करने की आकांक्षा, पहली बार दर्शन करने की इच्छा उनके अंदर थी, क्षम्य है। लेकिन जब दो दो साल पुराने साधक भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे होगा? अभी हजारों आए हैं, लाखों आने वाले हैं, तो कल कैसे संभालोगे, कैसी व्यवस्था करोगे? इसके लिए आपको खुद को स्वयं को स्वयंसेवक बनना पड़ेगा। मुट्ठी भर स्वयंसेवक आपके कोई काम के नहीं है, देश में लाखों लोग आएंगे, आप कैसे नियंत्रित करेंगे? दर्शन के कारण वो लोग पीछे चले आएंगे। एक माँ को जो छोटा बच्चा रहता है, जो चल नहीं सकता, माँ उसे गोद में लेके चलती है, स्वाभाविक है वो चल नहीं सकता। लेकिन जब बड़ा बच्चा भी गोद में बैठने की जिद करने लग जाए तो माँ बिचारी क्या करे? अब जो दो दो साल पुराने साधक हैं, वो उनको भी अगर आकर्षण शरीर का रह गया तो क्या बताएं? कम से कम उस छोटे बच्चे को भी गोद में लेने दीजिए। आप तो अपने पैर पे चल सकते हैं, चलिए, पर कब तक बच्चे बने रहोगे, कब तक गोद में लिए फिरूंगी मैं? ये आवश्यक है, अपने आप पे नियंत्रण कीजिए, अपने आप पे व्यवस्था कीजिए। मैं मेरे तरफ से जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयास करने की कोशिश करता हूं। जैसे इस साल एक नया प्रयास किया, प्रत्येक साधक का एप्लीकेशन फॉर्म मैंने खुद ने चेक किया है,
प्रत्येक साधक को उसका दोष बताए, वो दोष जिस दोषों के कारण उसके अंदर बाकी सारे दोष निर्माण हो गए, तो दोष बताने का एक ही उद्देश्य था। आने वाले कितने पानी में ये मुझे पहले से पता चल जाए। दूसरा, उनके ऊपर मैं तब से ही निरीक्षण कर रहा था ताकि कल मेरा लोड कम हो, इसलिए उनके चक्रों की क्लीनिंग, उनके चक्रों की सफाई मैं तब से ही कर रहा था जब से उनकी जांच की थी। किसने फॉर्म भरा है, किसने नहीं भरा है, एक एक का मुझे पता है। एक नया प्रयोग इस साल शुरू किया था, तो शुरू किया है, उससे एक अधिक से अधिक आपके बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हो, अधिक से अधिक करीबता हमारे में प्राप्त हो। लेकिन ये सब कुछ योजनाएं तभी फलीभूत हो सकती है जब आप अनुशासन में रहे, जब आप डिसिप्लिन में रहे, तभी ये संभव है। आज डिसिप्लिन की बात इसलिए कह रहा हूं, एक बात और आपको बताने जा रहा हूं। आज रात्रि का जो भोजन है, ये पूरा भोजन मैं एक एक को वाइब्रेट करके दूंगा, भले ही रात गुजर जाए। लेकिन आवश्यक है उतने ही लाइन से, उतने ही डिसिप्लिन से आप आएंगे। यहां स्वयं से कोई काम के नहीं है, एक मुट्ठी भर स्वयं से आपको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं सारे आप हजारों लोग स्वयं स्वयं सेवक बन जाएं और एक अच्छे डिसिप्लिन के अंदर आगे के कार्य